एक तरफ महाराष्ट्र की जो विपक्ष पार्टियां हैं उनमें अंदरूनी दूरी नजर आ रही है और विपक्ष की एक महागठबंधन की सरकार को तैयार करने के लिए विपक्ष की बड़ी बैठक हो रही है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा, इन्होंने नाम तो दिया है मोदी हटाओ का, लेकिन ये जो गठबंधन हो रहा है ये परिवार बचाओ का गठबंधन है। सारी परिवारवादी पार्टियां एक साथ मिलकर अपने परिवार को बचाने के लिए गठबंधन कर रही है और मैं तो देखकर इस बात पर अचंभित भी हूँ कि जो उद्धव ठाकरे जी रोज हम पर तंज कसते थे कि आप लोग महबूबा मुफ्ती के साथ गए, अभी वो महबूबा मुफ्ती जी के बाजू में बैठकर अलायंस करने की बात वहां पर कर रहे हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर ये सारी पार्टियों के ध्यान में आया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 साल में जो काम किया है, जब वो चुनाव के लिए जाएंगे उस समय भारत उनके पीछे पूरी ताकत से खड़ा होने वाला है और इसलिए अपनी परिवारवादी पार्टियों को और अपने परिवार को सत्ता देने के लिए ये सब लोग एक प्रयास के रूप में एकत्रित आ रहे हैं। लेकिन ऐसा ही प्रयास 2019 में भी इन्होंने किया था, कोई फायदा नहीं हुआ। 2024 में भी इसका फायदा नहीं होने वाला है। लोग मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और NDA ये बहुत अच्छे तरीके से और पिछले बार से भी ज़्यादा सीटें लेकर चुनकर आएगा, ये मेरा विश्वास है।